फर्स्ट डे ऑफ दिस वर्ल्ड एजुकेशन टूर। इस गाड़ी में न्यूयॉर्क टू टोरंटो सीधा। गाड़ी किसके जैसी गाड़ी है? ये रिक्शे जैसी गाड़ी लग रही है। ये टेक्सास में पड़े हुए हैं, अभी न्यू जर्सी में जॉब कर रहे हैं। CSU कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। ऑडी रख के हम लोग पार्किंग में अभी ट्रेन में जा रहे हैं, प्लान सडनली चेंज हो गया। न्यूयॉर्क की जो यूनिवर्सिटी है NYU, उधर हमारा विजिट है। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज। हाँ, ये आ गए टाइम्स स्क्वायर। जस्ट लुक एट द एनर्जी। लेट्स गो। रेडी। ये स्टूडेंट स्टीफन में पढ़ते हैं, स्टीवंस में आर्किटेक्चर कर रहे हैं। इनका भी इंटरव्यू दिखाएंगे आपको। yes. ये पार्थ का घर है। पार्थ ने भी यहाँ से ही एजुकेशन कंप्लीट किया है, उनका भी इंटरव्यू आने वाला है। आपको मैं ओरिजिनल पुष्पराज से मिलवाता हूँ, द रियल पुष्प। झुकेगा नहीं। पर ये किसके जैसी गाड़ी है? ये रिक्शे जैसी गाड़ी लग रही है। कल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमको मिली है रिक्शा BMW की। सो न्यूयॉर्क में आने का सबसे बड़ा रीजन था पार्थ। हम लोग लास्ट मिले थे आई थिंक सो 2019 में, उससे पहले कॉलेज में मिले थे 2013 में। इनका इंटरव्यू भी आने वाला है। ये टेक्सास में पढ़े हुए हैं, अभी न्यू जर्सी में जॉब कर रहे हैं। H1 कैसे आया उनका, कब अप्लाई किया था, क्या चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है H1 वीज़ा के लिए, वो सब भी हम लोग कवर करने वाले हैं। फिलहाल आज सैटरडे है, हम लोग जा रहे हैं फिलाडेल्फिया हमारे एक दूसरे फ्रेंड के घर पे, जो हमारी टीम का कैप्टन है, क्रिकेट टीम का कैप्टन है। आज हम लोग मैच जीते हैं फिलहाल। ये पुष्पराज ने दो बड़े बड़े सिक्स मारे थे, एकदम फिल्मी स्टाइल वाले ओरिजिनल। सो डे टू इन यूनाइटेड स्टेट्स। We are in Philadelphia right now and going to New York. Today we are planning to go at Times Square, yes. But let's see. So this is the apartment where our friend lives. पार्थ से पूछेंगे कहाँ हैं पार्थ। अभी हम ब्रंच करने को आए हैं टर्निंग पॉइंट में। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी पहली बार आया हूँ। दूसरा एक फ्रेंड है हमारा, वो लेके आया हमको। अच्छी जगह होगी, देखते हैं, आपको बताएंगे क्या टेस्ट है, कैसा क्या खाया हमने। जिम तो मेंबरशिप मेरा चालू है। हाँ, और मैंने पैसे भी भरता हूँ। ओके, पर जाता नहीं। सही हो, 90% लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए जिम आना कभी फुल नहीं होता है। लोग मेंबरशिप ले लेके जाते नहीं है। सो हमारी टीम हमारे ग्रुप कैप्टन जो मैं कितने सरस बनाया सरस है मुझे। आज अभी हम लोग जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी
हमारे साथ मौलिक भाई है, CSU कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, अभी सिस्को में न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं। तो आज ये लोग लेके जा रहे हैं स्पेशली न्यूयॉर्क में, आज आपको बताएंगे स्काईलाइन कैसा है, इनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे कि कैसे इन्होंने CSU में पढ़ाई की है, कितना टोटल खर्चा हुआ इनका, अभी क्या जॉब पैकेज है, कितने इनको फ़ायदे मिल रहे हैं US में सिस्को में काम करके। बट आज हमारा एजुकेशनल टूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरा सिटी साइट सीइंग टूर है न्यूयॉर्क का। तो लेट्स गो टुगेदर, विल शो यू न्यूयॉर्क सिटी। और मौलिक भाई क्या बोलना चाहते हो आप? बस एकदम बढ़िया है, चलो आज न्यूयॉर्क सिटी घूमते हैं, मजा करेंगे थोड़ा टाइम्स पर देखेंगे। बिल्कुल लेट्स गो। अभी आ चुके हैं हम लोग जर्सी सिटी में, न्यूयॉर्क जाना था बट बहुत ट्रैफिक थी, गाड़ी पीछे रख दी है और अभी हम लोग फेरी जा रहे हैं। पार्थ अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अपन न्यूयॉर्क ही जा रहे हैं बट ट्रैफिक की वजह से बहुत तकलीफ हो गई हम लोग को, तो नाउ वी विल गो बाय फेरी। हाँ, और फिर अपन न्यूयॉर्क घूमेंगे लोकल ट्रेन में, सबवे में। चेंज ऑफ प्लान्स हो गया हमारा न्यूयॉर्क की। हम लोग सोच रहे थे, मैं पार्थ को बोल रहा था, पार्थ यार ड्रीम है अपना न्यूयॉर्क में घर लेने का, बट ट्रैफिक देखा और गाड़ी जब ही रख के गाड़ी बोलना है कुछ आपको गाड़ी रखने हम लोग ऑडी रख के हम लोग पार्किंग में अभी ट्रेन में जा रहे हैं, प्लान सडनली चेंज हो गया, नहीं लेना घर यहाँ पर। बट अब व्यू आपको दिखाता हूँ, अब व्यू देखो पूरा। हाँ पार्थ, अभी क्या है प्लान? अभी प्लान में ऐसा है कि अभी हम लोग एक्सचेंज प्लेस पे, हाँ, अब व्यू देखिए, फिर वहाँ से जाती है फेरी न्यूयॉर्क के लिए। तो वहाँ से न्यूयॉर्क की फेरी में बैठ के हम लोग जाएंगे न्यूयॉर्क, फिर वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीचे घूम के, फिर ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज, और फिर वहाँ से जाएंगे अपन टाइम स्क्वायर, वहाँ से वापस आएंगे ट्रेन से या फेरी से, देखते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम। फिर यहाँ से गड्डी लेके घर गाड़ी पार्किंग में रखी हुई है हमने। अभी दो दिन हुए, आज ये मेरा दूसरा दिन है। दो दिन में पार्थ ने तीन स्टेट्स घुमा दिए, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यूजर्सी। न्यूजर्सी में हमारा घर है। तो ये गोल्डमैन सैक्स का बिल्डिंग है, रीज़न न्यूयॉर्क में आने का यही था कि पार्थ है यहाँ पर और मुझे पता है दबंग दोस्त है हमारा। अभी इसके साथ हम लोग कनाडा भी जाने वाले हैं ड्राइव करके। हाँ, ये है, ये जो 9/11 हुआ था अपना वर्ल्ड ट्रेड पे वो क्रैश हुआ था, हाँ, प्लेन, हाँ, उसका स्टील उधर से उड़ के इधर आया था। अच्छा, यहाँ पर लगा था ये स्टील जो रखा है यहाँ पे। हाँ, ये स्टील वो वर्ल्ड ट्रेड का है। कौन सा वाला स्टील? अच्छा, स्टील जो है ये, हाँ, बीम रखा है, हाँ, टूटा हुआ, हाँ, ये वो वर्ल्ड ट्रेड का है। ओके, वो जब नेक क्रैश हुआ था ना, हाँ, तो उधर से उड़ के इधर आया था। तो यहाँ पे ये जिस स्टील पे अभी उड़ने से रखे थे, हाँ, ये पूरा उड़ के आया था वहाँ से। ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, हाँ, दैट इज़ द न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके पहले वो जो ट्विन टावर पे अटैक हुआ था, हाँ, वही लोकेशन पे दो टावर्स, ट्विन टावर्स, ओके, साइड और साउथ साइड। अभी हम लोग उधर जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाएंगे आपको। अभी यहाँ से ये नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और वहाँ पे वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग होगी। एम्पायर स्टेट कौन सी है? अभी दो दिन है हमारे पास, कल शायद इधर फिर आना होगा, कल बारिश है। अगर बारिश आती है तो कल का न्यूयॉर्क का प्लान कैंसिल है, थोड़ी शॉपिंग करेंगे कल पार्थ के साथ। और ट्यूसडे को भी हमारी न्यूयॉर्क
की जो यूनिवर्सिटी है NYU, उधर हमारा विज़िट है। और वेनसडे हम लोग शिकागो जाएंगे, शिकागो में जो यूनिवर्सिटीज़ है DePaul, फिर इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सब कवर करेंगे। बट न्यूयॉर्क मेरा फिर आना होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क से हम लोग एग्ज़िट करेंगे, लास्ट हमारा स्टे US में, उधर फिर कनाडा जाएंगे। देखते हैं कल का क्या है प्लान। ये पूरा मैनहट्टन आप पीछे देख सकते हो। अभी फेरी लेके, हाँ फेरी आ रही है, हमारे मौलिक भाई खड़े हैं टिकट लेके, इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपसे, बहुत मज़े का इंट्रोडक्शन है। आई जाओ मौलिक भाई, तुम्हारो इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये तो आई जैसे आई तो जाओ यहाँ बाहर से बोलो। मौलिक भाई जो है वो सिस्को में काम करते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, और मतलब इतने फन गुजराती हैं। मैं भी अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैं भी गुजराती हूँ, तो इन्होंने नॉर्थ इंडियन से शादी करी है, बट बात वो हिंदी में करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये हिंदी में बात कर रहे हैं, बट वो गुजराती में बात करते हैं। तो आज मतलब दो दिन से इन्हीं के साथ में, इतना फन पर्सन मैंने नहीं देखा है। बात वो, ये उनकी वाइफ हैं, बात वो उनसे हिंदी में करते हैं, उनको ऐसा लगता है, बट बात वो गुजराती में करते हैं। राइट, मिक्स हो जाता है, मतलब हिंदी गुजराती है। मेरा हिंदी जेठालाल जैसा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो दिखता है हाथ। प्रॉब्लम ये है कि मैं लेंस ना लेना भूल गया, अभी $2200 का खर्चा करना पड़ेगा। कोलगेट दिखाओ, कोलगेट। चलो अपनी फेरी आ गई है। अभी ये जो एरिया है, ये पीछे वाला, ये जर्सी सिटी है, मतलब न्यू पोर्ट एरिया है, उसके बिल्कुल सामने मैनहट्टन है पूरा। वो बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है वो नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गए थे, उधर भी हम लोग जाएंगे। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मैम बताएंगी कैसे लेना है, कैसे लेना है। ऐसे नीचे से ऊपर। सो ये वाला जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये अभी का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, बहुत बड़ा है। मैं देखता हूँ अगर मुझे सेट करना आए तो। हाँ ये रहा, देखिए। यस पार्थ, अभी हम कहाँ जाएंगे? हाँ तो अभी ये तो है पीछे अपना, आपको बताया जैसे कि करंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट शायद क्लोज है ये। तो ये है वहाँ पे जहाँ पे वो ट्विन टावर्स थे पहले, जो पुराना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और जो क्रैश में जो टूट गया था, वो लोग ने ऐसा पूरा नीचे म्यूजियम भी बनाया हुआ है, और ये लोग ने पूरा सेव करके रखा है यहाँ पे, जहाँ पे दो बिल्डिंग थे, और वहाँ पे एक फाउंटेन टाइप बनाया हुआ है, और आसपास में सब जितने भी लोग मरे थे
वो क्रैश में जिनकी भी मौत हुई थी उन सब के नाम एंग्रेव करवाए वहाँ पे मार्बल पे। तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं हम लोग देखने जाने के लिए, आपको बताते हैं। राइट, अभी शायद बंद है ये, अगर है तो बताएंगे, अदरवाइज जब भी मैं 15-20 डेज़ के बाद वापस न्यूयॉर्क आ रहा हूँ फिर बताएंगे आपको। हाँ, ये ब्लैक वाला, हाँ वो ब्लैक पे वहाँ पे बिल्डिंग था पहले। ओके, यानी दो बिल्डिंग थे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ओके, तो ये वाला बिल्डिंग है नॉर्थ साइड का। हाँ, तो यहाँ पे अभी ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, देख नहीं सकते, बट ये जो पूरा मार्बल है ब्लैक, हाँ तो पूरा पैरामीटर में वो लोग ने सबके नाम लिखे हुए हैं एंग्रेव करके। ओके, जो कि यहाँ पे जैसे देख सकते ये नॉर्थ पोल और वो साउथ पोल। राइट, तो यहाँ पे दो बिल्डिंग्स थे। तो अभी उधर सबके जो है नेम्स एंग्रेविंग करवा के उन्होंने ये ब्लैक मार्बल्स में लिखे हुए हैं। ये था देखो बिल्डिंग, इधर इसके अंदर था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पार्थ ये क्या है बताओ तो? ये ऑक्यूलस है और अंदर ये लोग ने एक मॉल बनाया हुआ है और उसके नीचे सबवे स्टेशन है न्यूयॉर्क लोकल, और यहाँ से आप न्यू जर्सी भी जा सकते हैं पाथ की ट्रेन से। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्रेन स्टेशन प्लस मॉल है ये। हाँ, तो जैसे आप सबको पता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ था और दो टावर्स गिर गए थे, उसके बाद US took this as a challenge to show these guys that US is too powerful and they can defeat all those guys. So here is a basic future plan ये लोग का है कि ये लोग दो गिरा है हमारे बिल्डिंग तो हम लोग सात नए खड़े करेंगे। तो बेसिकली एक तो जो मेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो आपको दिखा है वो, फिर सेकंड यहाँ पे ये लोग का दूसरा है कि सेकंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फिर ये ऑक्यूलस जो आपको दिखाया हुआ है, फिर ये थर्ड उसके पीछे है और फोर्थ भी उसके पीछे है। यानी ओवरऑल ये लोग का फ्यूचर प्लानिंग ये है कि वो लोग टोटल सात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे, आपने दो गिराए और वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर और हम लोग सात बनाएंगे टोटल। तो ये पूरा उसका फ्यूचर प्लान है। अभी कहाँ जा रहे हैं पार्थ? अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज। हाँ, उधर अपन मस्त व्यू देखेंगे पूरा न्यूयॉर्क सिटी स्काईलाइन का। ओके, अच्छे अच्छे फोटो निकालेंगे। हाँ, और पूरा ब्रुकलिन का जो ये लोग का आर्किटेक्चर जो है वो सब देखेंगे अपन। उसके बाद अपन जा रहे हैं टाइम स्क्वायर। ओके, और फिर उधर से लेट्स सी क्या प्लान बनता है। राइट, वेदर तो वैसे अच्छा है तो और कहीं जाना होगा तो जाएंगे। विल कीप यू पोस्टेड। दिस इज न्यूयॉर्क। मौलिक भाई बोल रहे हैं ना, कौन क्या सांप बाप सांप बुला रही है सांप बुला रही है मैडम सांप बुला रही है ऐसा बोल रहे हैं। I'm never letting go, I'm never letting go.
ये आ गए टाइम्स स्क्वायर। क्या एनर्जी है। और ये सामने जो बिल्डिंग है वो मैं बताता हूँ, वो मेन टाइम स्क्वायर की बिल्डिंग है। वो जो ऊपर बॉल है वो न्यू ईयर के दिन नीचे गिरता है। जस्ट लुक एट द एनर्जी। Mm-hmm.